पका दो। तो सियाराम रसोई के लिए जो मैं सिलेंडर लेकर के आया हूँ अभी, हैं नमस्कार मेरे YouTube परिवार, एक बार फिर से स्वागत है मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर। और मैंने धाम पर पहुंच करके अभी गायों को चाटा आटा आहार दे दिया है और दिखाता हूं मैं आपको राशन सामग्री। तो मेरे YouTube परिवार, आप देख रहे हैं देवीलाल ने अभी चाय चढ़ा दी है सियाराम रसोई में, और रसोई के लिए जो मैं राशन सामग्री लेकर के आया हूँ उसको देवीलाल निकाल रहा है उसको, और आपको दिखा देता हूँ कि आपके स्वागत में हम किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतना चाहते हैं। देवीलाल एक चीज याद कौन दी रही थे, कॉफी काल थे जरिए तका तक इलायची तका तक गिलास सब एक्यूरेट सामान याद दिला दियो। ओ ले रहो वो ले रहो चावल दाल, हाँ ये देखो चावल चाय गिलास चीनी तेल सब कुछ याद दिला दियो। कॉफी को पैकेट ले आगे रखना जरूरी है, हाँ इलायची लिए मात्र कॉफी को पैकेट ही बाकी है तो, और टोटल आ गयो ठीक है। तो चाय बना ले, मिस्त्री जी आ गया। तो मेरे YouTube परिवार, आज आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मतलब है स्पीड बढ़ा दी है काम की, क्योंकि समय जो है बहुत ही कम बचा है। अखंड रामायण का पाठ जो चालू होगा उससे पहले धाम पर सारे के सारे कार्य पूरे ज़रूरी हो गए हैं करने, बहुत ही ज़रूरी हो गए हैं, अति आवश्यक हो गए हैं, इसलिए सब अपना अपना काम लगे हुए हैं। कोई भी मतलब है मिस्त्री हो चाहे सेवादार हो, सब अपना अपना काम लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो है मिस्त्री जी ने कटिंग चालू कर दी है, एक मिस्त्री आज लगा हुआ है कटिंग करने में, और दो मिस्त्री लगेंगे जो पत्थर को चेपते हैं उस कार्य में। तो सब रल मिल करके कार्य कर रहे हैं, और जल्दी जल्दी सबको चिंता है कि भाई बाकी दिन बचे हैं तीन, वो तीन में से आज वाला शामिल है, आज वाला शामिल है तीन में, हाँ आज वाला गई है। तो इधर आप देख रहे हैं दो मिस्त्री लगे हुए हैं इसको सेटिंग करने में, यहाँ पर जो है ब्लॉक बिड़ाई होगी, अभी चालू करेंगे थोड़ी देर में ब्लॉक बीड़ना धाम के चारों तरफ है। और यहाँ पर जो है मंदिर का जो कार्य हो रहा है वो दिखा देता हूँ मैं आपको, ये शिलालेख प्लेट यहाँ पर लगा दी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये प्लेट लग चुकी है। इस हवन कुंड का निर्माण और इस मंदिर का निर्माण स्वर्गीय श्री विजय सिंह जी छाजेड़ की पुण्य स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इलायची देवी, पुत्र श्री अजय कुमार जी छाजेड़, पुत्र वधु श्रीमती सीमता देवी नगर सुजानगढ़ निवासी कोलकाता प्रवासी द्वारा करवाया गया है, दिनांक 1/10/2024 को। और शुभ इच्छु साधु जर्नी, शुभ इच्छा ये साधु जर्नी की है तभी ये कार्य हो रहे हैं। देखो ये प्लेट यहाँ पर लग चुकी है, और इससे मात्र 26 फीट की दूरी पर हवन कुंड है। श्री राम दरबार मंदिर जो बन रहा है उसको इस तरह से तैयार किया जा रहा है, कुछ अंदर का भी पूरा ही बाकी है, और बाहर का जो आप है देखो सिस्टम इस तरह से बनाया है, ये चारों तरफ है जैसे मंदिर की फेरी होती है उसी प्रकार से फेरी रखी गई है, देखो इस प्रकार से बनाया गया है। और कुछ है हमारे भाई बहन जो बोल रहे थे कि अंकल जी खेजड़ी के बीच में और मंदिर के बीच में जगह रखना, तो आप देख रहे हैं देखो खेजड़ी और मंदिर के बीच में जगह खाली है, तो
बाकी जो आप शिलालेख देख रहे हैं ये लगा हुआ है ही, और कार्य प्रगति पर है। आज 3 मिस्त्री जी लगे हुए हैं लगातार। और इधर धाम परिसर में ब्लॉक बिड़ाई का काम आ रही है, अभी चालू कर दिया है। देखो इस तरह से चालू किया है, कुछ आप देख रहे होंगे ब्लॉक जो मैं 600 की संख्या में लेकर के आया। तो ब्लॉक सुबह से यहाँ पर ये 2 आदमी लगे हुए हैं, सुबह से ही इन्होंने जगह को एकदम फिक्स सेटिंग किया है। इस जगह में रेत मिट्टी डाल करके पूरा कुटाई पिटाई इसकी करके एकदम मजबूत। और ये देखो ये जो ब्लॉक बिड़ाई का कार्य है ये प्रारंभ कर दिया है, अभी प्रारंभ किया है इन्होंने। और ये जो सेटिंग आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से लगेगा देखो। और बाकी 3 दिन बाद जब रामचरितमानस चालू होगा तब आपको पूरा एकदम व्यवस्थित लगेगा, क्योंकि अभी तो कार्य चल रहा है। तो कार्य चलते में तो इस प्रकार से ये खड्डा खोबड़ा जो है ये पड़ा है, ये रेत भरवा करके यहाँ पर कारपेट बिछा करके और जगह को एकदम पूरी तरह सही सेटिंग करेंगे। लग रहा है जो चीज़ दिखाई दे रही है मैं आपको वही दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ये अभी जो है इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और शाम का समय है, गाय देखो टीन शेड से निकल करके बाहर इधर उधर घूमती हुई ठाणों तक पहुंच गई हैं, और ठाणों पर चारा जो मिक्स किया हुआ चारा है कुछ खेड़ के पास खड़ी हैं। ये शाम का समय है लगभग 5 बजे का, तो शाम के समय में यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्य जो हो रहा है। बहन लक्ष्मी जी सिन्हा नगर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 1000 रुपया, छोटी देवी जी बगड़िया गांव डूकिया जिला सिक्करहाल सूरत से 1100 रुपया, विकास जी पूनिया गांव राजपुरा लक्ष्मणगढ़ सिक्कर से 101 रुपया, जेठाराम पुरखाराम जी जालप गांव राशिसर नोखा बीकानेर से 201 रुपया, भगवान दास जी तंबोली फौजी भाई ब्यावर अजमेर से 1100 रुपया, ताराचंद जी स्वामी नगर शाहपुरा जयपुर से 251 रुपया, भंवर सिंह जी राठौड़ गांव बारली बरना सांझू नागौर से 500 रुपया, गुलाबाराम जी गोदारा गांव गांधव जिला बाड़मेर स्थान से 200 रुपया, एक गो माता भक्त नगर बहादुरगढ़ झज्जर हरियाणा से 200 रुपया, बहन लक्ष्मी देवी जी बिश्नोई नगर डिफेंस कॉलोनी हिसार हरियाणा से 500 रुपया, बहन ज्योति राजेश कुमार जी शर्मा नगर दिल्ली से 251 रुपया, राजेंद्र जी चौहान नगर पटियाला पंजाब से 101 रुपया, विकास कुमार जी पारिक गांव अड़कसर कुचामन सिटी नागौर से 500 रुपया, विकास जी यादव फौजी भाई गांव मेघोत विंजा नारनौल हरियाणा से 251 रुपया, एक गो माता भक्त भाई नगर श्रीगंगानगर से 251 रुपया, राजकुमार जी गुलेरिया नगर सारका घाट मंडी हिमाचल से 201 रुपया, बंसीधर जी सैनी नगर चौमू जयपुर से 101 रुपया, लक्ष्मण सिंह जी चौहान गांव उदलियास भीलवाड़ा से 101 रुपया, डूंगर सिंह जी सोडा गांव छिल्ला कश्मीर बज्जू बीकानेर से 450 रुपया, संदीप जी बिश्नोई गांव पदमपुर श्री गंगानगर से 201 रुपया, बहन चांदनी जी मेरा नगर जोधपुर से 101 रुपया, रावलाराम बाबूराम जी सुथार गांव रतनपुरा गढ़ा शेरगढ़ जोधपुर से 251 रुपया, बहन सुमन जी प्रासर गांव कालका जी जिला पंचकुला हरियाणा से 101 रुपया, एक गो माता भक्त बहन नगर कोयला गली बीकानेर से 400 रुपया, और वीरेंद्र सिंह जी गांव बाल समंद जिला डीडवाना नागौर से 101 रुपया।
दिल से आभार मेरे YouTube परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं, उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें ताकि मैं पूरा पूरा हिसाब किताब रख सकूँ। धन्यवाद।